आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, यहाँ के बसपा के कैडर वोट हैं, किस तरह का माहौल है और क्या देख रहे हैं बाहुबलियों के साथ आपका चुनाव है? देखिए, हमारा चुनाव बहुत बढ़िया है और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, मगर चुनाव की जीत को देख के विरोधी घबराए हुए हैं। ख़ास तौर पे बाहुबली जो यहाँ पे हैं, वो लोग अब हमारे लोगों को धमकाने लगे हैं और उन्हें दबाव बनाने लगे हैं कि आपको वोट हमें देना है, बल्कि उन लोगों को और ज़ोर जबरदस्ती भी करने लगे। और हर गांव में आके चार चार पांच पांच लोग इन्होंने टिकाने का काम कर दिया और इस तरीके से जिले और चुनाव निष्पक्ष किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये बाहरी लोगों को यहाँ से भगाया नहीं जाएगा। आपके द्वारा इस तरह का क्या प्रयास किया जा रहा है कि नहीं निष्पक्ष चुनाव हो सके? मैं चुनाव आयोग से भी इस बारे में कहना चाहूँगा कि आप पूरे ज़िले के सैयद राजा विधानसभा में आप आके देखिए कितने बाहरी लोग आके रुके हुए हैं यहाँ पे, चाहे वो भदोही से, तो कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, इस तरीके के लोग आके टिके हैं और हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं और धमकाने तक का भी प्रयास किया जा रहा है। कई गांवों से हमारे पास रिपोर्ट है कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वोटरों को धमकाया जा रहा है। क्या आप पर्यवेक्षक से इसकी शिकायत भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उनके लिखित शिकायत करेंगे हम और चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत करेंगे इस बात की कि इस तरीके से सैयद राजा विधानसभा के अंदर हो रहा है और अभी से लोग धनबल और बाहुबल का प्रयोग करना चालू कर दिया इन लोगों ने। बाहुबल में क्या प्रयोग कर रहे हैं? लोगों को धमकाने लगे, इससे ज़्यादा क्या होगा? किसी से जबरदस्ती किसी के मकान पर झंडा लगाने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो किसी से कुछ कह रहे हैं, मारना पीटना तक भी अब उतारू पे हो गए हैं लोग। ठीक ठीक।